अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे साजिद और हर रोज सुबह जो है हमारी शुरुआत होती है हमारे अपने रेडियो स्टेशन पर जो है रेडियो चुनार 90.4 हर दिल की धड़कन। आज यहाँ पर मेरे साथ एक और स्पेशल गेस्ट यहाँ पर है जिनसे आज हम ढेर सारी बातें करेंगे और इन्फॉर्मेशन जो है काफी ज्यादा रहेगी क्योंकि आज हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन की, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है सिराजुद्दीन सलाम, कानिसपुरा बारामूला से आज रेडियो चुनार के स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए आया है। सिराज सर, वेलकम टू रेडियो चुनार। थैंक यू। सिराज सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें ये बताएं कि RTI आखिर होता क्या है, और जितने भी लोग अभी रेडियो चुनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप देख रहे हैं ताकि उनको ये पता चले कि RTI होता क्या है और किस तरीके से हम RTI पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे कानून हैं जी, जिसमें से एक कानून ये है कि उस कानून के तहत आपको स्टेट सब्जेक्ट मिलता है, दूसरा कानून है आपको आधार कार्ड मिलता है, आपको ये भी कानून है कि आपका बिजली कनेक्शन मिलना चाहिए, आपके बहुत सारे जो काम है वो आपको मिलने चाहिए, कानून के तहत ही मिलते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक कानून है जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, गवर्नमेंट के पास कोई दरख्त या पेड़ लगा नहीं होता है कि जिसे वो झाड़ के पैसे लेते हैं। ये पैसा जो गवर्नमेंट यूज करती है, जैसे हमारे ब्रिज बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, हमारे जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब लोगों के टैक्स पेयर से बनते हैं जी। तो गवर्नमेंट का ये एक कानून हो गया आपकी, ये जो टैक्स पेयर, ये जो पैसा देने वाला है, इसको भी ये बताओ कि आपका पैसा हमने कहाँ खर्च किया। बिल्कुल। जैसे घर में आप अपने बच्चे को 100 रुपया देते, उसको कहते हो बाजार से कोई आइटम लाओ जी। तो उसके बाद आप उसको पूछते हो कि भाई आपने ये 100 रुपया कहाँ खर्चाया, वो आपको बोलेगा कि मैंने इतने का ये लाया, इतने का वो लाया जी। तो दूसरे लफ्जों में अगर कानून की बात करें तो आपने उस अपने बेटे का RTI किया, राइट इन्फॉर्मेशन, आपने जाना जो मैंने पैसा दिया उसका आपने क्या किया, यही RTI है जी। अब ये कुछ करप्ट लोग उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, उन्होंने इस RTI को बड़ा चढ़ा के पेश किया है। ये RTI ऐसी कोई सिंपल सी बात है, अगर आपके इलाके में या किसी इलाके में लग रहा है कहीं पे नाइंसाफी हो गई, एग्जाम किसी ने दे दिया और सिलेक्शन किसी और की हो गई, नौकरी का इंटरव्यू किसी ने दे दिया और क्वालिफाई कोई और कर गया, आदमी दुबई में बैठा है, ड्राइविंग लाइसेंस बारामूला से इश्यू हो गया जी। अगर आपको लगता है कि ऐसे स्कैंडल्स हो रहे हैं तो आप RTI उनको पूछिए भाई ये कैसे हो गया। अगर एक बंदा है जो क्वालिफाइड कर रहा है एग्जाम, उसने नहीं किया, हमें पेपर दिखाइए, वो चीज है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके तहत आप उनको डॉक्यूमेंट। तो ये एक हर कोई आदमी कर सकते, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई बैरियर नहीं, इसमें कोई ऐसी अर्चना नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं जो एक आदमी नहीं कर सकते। सर साहब, मुझे ये बताएं कि RTI जो प्रोसेस है कैसे, लाइक फॉर्म कैसे फिल करें, कैसे अप्रोच करें डिपार्टमेंट को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि RTI होता है लेकिन ये पता नहीं है कि RTI कैसे हमें जो है अप्लाई कैसे करना है, कैसे जो है RTI हम किसी डिपार्टमेंट को या इन्फॉर्मेशन सीक करनी है तो कैसे करें। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि एक आदमी ने जो है BA का एग्जाम दे दिया जी, उसको रेपियर आ रहे हैं, उसको डाउट है कि मैंने पेपर अच्छा किया था, मुझे रेपियर नहीं आना चाहिए था, तो उसको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने किसको, यूनिवर्सिटी को, उस पर लिखना है टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जी, और नीचे उसने लिख देना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो मुझे अपने जो मार्क्स जो मैंने एग्जाम दे दिया है उसकी जो मार्किंग होगी है, मुझे उसका एक शीट दे दीजिए, उसका मुझे जेरोक्स कॉपी दे दीजिए, मुझे वो दिखाया जाए, क्योंकि मेरी नॉलेज से, मेरे हिसाब से मैंने पेपर सही किया था। तो उसके लिए अगर वो BPL कैटेगरी से फॉल करते हैं तो कोई फीस नहीं है, अगर वो BPL कैटेगरी से नहीं है तो 10 रुपया उसकी फीस है, जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर डाकखाने से ली जा सकती है और वहां पे जमा करना है और वो आपको उस पेपर का जेरोक्स देगा। जितने पेज आपको मिलेंगे वहां से पर पेज आपको 2 रुपए का चार्ज देना है, जैसे आपका पेपर 10 पेज का था तो आपको 20 रुपीज पे करना है। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन विद इन, ये रूल तब है जब विद इन 30 दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिले, विद इन 30 डेज मिले, अगर 31 दिन हो गए उसके बाद में कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं है। और इसकी जो फी है ये कितनी फी भरनी पड़ती है जब हम फॉर्म जो है अप्लाई करते हैं तो कितनी फी भरनी पड़ती है जब हम RTI स्टार्ट करते हैं? BPL कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, राशन कार्ड का फोटो स्टेट रखना एज ए प्रूफ ऑफ BPL। अगर वो APL कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लोग 10 रुपीज ओके, इंडियन पोस्टल ऑर्डर डाकखाने से मिलता है, किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर उसमें वो मिलेगा आपको, वो उस एप्लीकेशन के साथ चिपकाना है और वो एप्लीकेशन जमा करनी है, उसी एप्लीकेशन पे उसका रिसीप्ट ले लेना है, उसका एक फोटो कॉपी किया, एक कॉपी वहाँ जमा की, उस फोटो कॉपी पर रिसीप्ट ले लिया कि भाई हमने ये RTI एप्लीकेशन आपकी इस डेट को। सर सर, आपसे जो है हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन आज रेडियो चुनार पर आप आए हैं तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आके आपको? रेडियो चुनार पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो RTI के रिगार्डिंग जो आप देखेंगे, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप कहीं भी जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, एडवर्टीज गूगल पे है, उस पे का, इस पे का, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होती है, लेकिन क्या आपने कभी RTI की एडवर्टीजमेंट कोई देखी? RTI को स्ट्रॉन्ग कीजिए,
आपने नहीं देखी होगी, कहीं पर है ही नहीं। आरटीआई की अवेयरनेस होती नहीं है, गवर्नमेंट का ही कानून है और गवर्नमेंट ही इसे एडवर्टाइज नहीं करती है। अब रेडियो चिनार के जरिए हमें मौका मिल रहा है अपनी बात बताने का, लोगों को बताने का कि आरटीआई क्या है, तो मेरे ख्याल से मुझे अंदर से खुशी हो रही है कि बिना एडिटिंग के, बिना कटिंग के हमारी आवाज लोगों तक पहुंच रही है, तो लोगों को पता चल रहा है कि आरटीआई क्या चीज है। तो इसके लिए मैं रेडियो चिनार का शुक्रगुजार भी हूं और रेडियो चिनार को मुबारकबाद भी दे रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और रेडियो चिनार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारी तरफ से यही कोशिश रहती है कि जो भी हमारी कम्युनिटी है, जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, जो भी हमें सुनते हैं, उनको हर रोज हम कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन दें। और आरटीआई पे जो हम बात कर रहे थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इस राइट के बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर उनको लगे कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस पर जो है अप्लाई कर सके। कुछ डिफिकल्टीज है इसमें, जैसे कि ये कह रहे हैं कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। फिर आरटीआई एक्टिविस्ट को टारगेट बनाया जाता है, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। ये उन लोगों का एक प्लानिंग होती है जिनको आरटीआई करते हैं, उनको पता है कि हमने आरटीआई दे दी। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मैंने एक आरटीआई करी थी, उन्होंने जवाब दिया ही नहीं, वो कोर्ट में गए, उन्होंने कितना ड्रामा किया, एक्सक्यूज किया, हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी उन्होंने, ठीक है ना। बाद में जितने बच्चे को जी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हमने एसीबी को दे दी, एसीबी ने 9 लोगों को एफआईआर दे दिया। एसीबी मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई एजेंसी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अब ये मसला है कि आपको अपनी विल जतानी है कि भाई मुझे यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, मुझे इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी है। और आवाज उठाने का कानूनी तरीका है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, कानूनी तरीका है। एप्लीकेशन आप खुद मत जाइए वहां पे, आप भाई पोस्ट एप्लीकेशन भेजिए, उस पर लिखिए कि भाई जब हमें इन्फॉर्मेशन देने का मन आपको करे, मूड आ जाए, तो हमें भाई पोस्ट ही इन्फॉर्मेशन दे देना। और साथ साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को भी इन्फॉर्म करिए कि हमने यहाँ पे आरटीआई करी है, ताकि वो कोई आपके खिलाफ प्रोपोगंडा ना बनाए। और जब वो प्रोपोगंडा बनाते हैं, फिर क्योंकि कुछ एजेंट लोग इसमें होते हैं जिनको आरटीआई करने से तकलीफ होती है, वो एक फैब्रिकेटेड प्लान चलाते हैं, वो सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स खुलाते हैं। मतलब उसके लिए एक्टिविस्ट को रेडी रहना है कि भाई मुझे ये फेस करना है, क्योंकि मैं हक के लिए बात कर रहा हूँ। इसके लिए अगर सारे लोग एक पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक सिराजदीन कुछ नहीं कर सकता है, एक साजिद सब कुछ नहीं कर सकते, ये मिलके कलेक्टिवली हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आरटीआई इसको ज्यादा से ज्यादा करें और बाय पोस्ट ये ज्यादा करें, डिपार्टमेंट्स में जाना अवॉइड करें, किसी ऑफिसर से मिलना अवॉइड करें। तो जब इस तरीके से हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह रहमान जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी इंशाल्लाह रहमान जरूर आ जाएगी। चला साहब, आपसे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बात करके, आप यहाँ पर आए, हमारे शो में आ जाए हो। और जो भी लोग अभी आपको सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, अपना जो फीडबैक है, अपने जो कमेंट्स है वो जरूर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, और सुनते रहें रेडियो चुनार 90.4, हर दिल की धड़कन।